प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। इसके साथ ही मोदी ने जयपुर स्थित पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने रिमोट बटन के जरिए इन संस्थानों की आधारशिला रखी और सीपेट का उद्घाटन किया है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास के लिए पीएम का आभार जताया। वहीं हनुमानगढ़ में शिलान्यास कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बोलते हुए कहा कि केंद्र ने पिछले सालों में कुल 75 नए मेडिकल कॉलेज देश भर में खोलने की घोषणा की थी। उनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। राजस्थान पूरे देश में मेडिकल कॉलेज खोलने में नंबर 1 पर है। मैं सबसे पहले तो हनुमानगढ़ जिले के सभी यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी के कर कमलों से आज शिलान्यास किया गया और हनुमानगढ़ के साथ साथ 3 दूसरे मेडिकल कॉलेज भी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर खोले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 16 मेडिकल कॉलेज अभी पिछले 3 सालों में जिनकी प्रक्रिया पूरी की गई है। राजस्थान देश का पहला राज्य है क्योंकि केंद्र सरकार ने 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की पिछले वर्षों में घोषणा की थी। मेडिकल कॉलेज को शिलान्यास प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा हुई है और हनुमानगढ़ के वास्ते ऐतिहासिक दिन। मेडिकल कॉलेज बनो अपनी कल्पना में बनी हुआ कि किसी आज आठ बन ला दी है। बहुत बहुत बधाई सारा इलाका वासियों ने बधाई, प्रधानमंत्री जी ने बधाई, मुख्यमंत्री जी ने बधाई।